ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, कोई आज के युग में बूढ़ा नहीं होना चाहता, सबको युवा ही बना रहना है। और जो बूढ़े हो गए हैं उनको भी लगता है कि हम कैसे युवा हो जाएं, हम क्या करें कि हम युवा रहें। और ये जो उधेड़ बुन है इसमें लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। कुछ लोग वॉक पे जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, व्यायाम आदि भी करते हैं। सब चीज़ें अच्छी हैं और बहुत अच्छी हैं। लेकिन अभी मैंने एक वॉक के विषय में, सुबह जो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके विषय में एक बहुत अलग बात जानी, बहुत अच्छी बात जानी है। बड़े बुजुर्गों से जानना है तो काम की बात है। तो आप सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, यदि आप मेरी बात मानते हैं। तो करना क्या है, आइए चलते हैं क्या करना है। मित्रों, एक बूढ़ा होने में एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो हमारे मुंह में जो लार बनती है उसकी कमी का भी है। मुंह में जब लार कम बनती है तो कहीं भी अपनी त्वचा सूखने लग जाती है, और जब त्वचा सूखती है तो उसके बाद बुढ़ापा बहुत जल्दी घेर लेता है। और ये बहुत छोटी सी बात है पर जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है। अब होता क्या है, अक्सर जो लोग वॉक पे निकलते हैं वो करते क्या है, दो चार जन साथ में निकले, थोड़ा ग्रुप बना के निकले, बात करते करते गप्पे मारते मारते निकल जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो वॉक करने के बाद थक जाते हैं। मित्रों, आप ये 2 घंटे भी वॉक कर लेना तो आपको थकान नहीं होनी चाहिए, आपकी वॉक ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसी वॉक कैसे होगी, चलिए हम आपको उसका पूरा विस्तार बता देते हैं। हमने आपको शुरुआत में कुछ चीज़ें ऐसी बता दी हैं जो आपको बूढ़ा बनाती हैं, और साथ ही आप जो गलतियां करते हैं और गलतियां और क्या क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं। करना क्या है मैं उतना बता दूंगी, उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं उसमें गलतियां हो सकती हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हमारी जो गलतियां कितनी होती हैं कि जितने सर हैं उतनी गलतियां हो सकती हैं, और सही तरीका दुनिया में सिर्फ एक होता है किसी भी चीज़ को करने का। तो चलिए आपको हम सही तरीके की वॉक कैसे कर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप रात को नाक में घी या तेल, हमने स्वास्थ्य नियम वीडियो विवरण में आपको मिल जाएंगे, वहाँ स्पष्ट बताया कि आपको नाक में तेल या घी कैसे डालना, कौन सा तेल घी आप डाल सकते हैं, और बादाम लोगन पतंजलि का भी आप डाल सकते हैं। रात को 4 बूंद कैसे डालें सब बताया हुआ, वो आप देख लीजिए। और नहीं तो सुबह हथेली पे 2-3 बूंद तेल लीजिए, उसको यूं लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, दूसरी नाक में लगा लीजिए, थोड़ा सा कान में ऐसे लगा लीजिए, दूसरे कान में लगा लीजिए, और थोड़ा सा नाभि पे लगा लीजिए। वॉक करने जाने से पहले इतना आप कर लीजिए। यदि आप करते हैं इससे आपका नाक से सांस चलेगा अच्छा खासा, और आपके कान में हवा नहीं लगेगी, आपको टोपा आदि नहीं पहनना पड़ेगा क्योंकि सर्दियों के दिन है टोपा पहनना पड़ जाता है। और नाभि में लगाएंगे तो आपकी स्किन को अपने आप स्निग्धता मिल जाएगी, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हमने सुबह सुबह ये काम करे। अब आप वॉक पे जाएंगे, वॉक पे आप चलते समय बातें नहीं करेंगे, बातें करेंगे, बातें करने से होता क्या है कि आपकी जो सांस है वो मुँह से चलती है, तो जब मुंह से सांस चलती तो इससे आपका सलाइवा जो है, लार जो है वो बनना कम हो जाता है और सूखने लग जाता है। और साथ ही मुंह से सांस चलने के कारण आपके शरीर को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, जिससे आपकी सांस फूल भी सकती है, और साथ ही आपको जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको कभी भी चलते समय बात नहीं करनी है। और हाँ, हो सके तो चलते समय काम और कर सकते हैं। आप कोई भी मंत्र ले लें जो जिसमें आपको श्रद्धा बनती हो, उसका जाप करते करते आप वॉक करिए, या कोई अच्छा खासा भजन जो आपके मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित कर दे। उल्टे सीधे गाने मत सुनिए, ड्रम फोड़ने वाला म्यूजिक मत सुनिए, क्योंकि वो आपको परेशान कर देगा, आपको तब अच्छा लगेगा लेकिन उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि वो आपके चित्त को एकाग्र नहीं करेगा। पर आप मंत्र जाप करते हैं तो इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। और हमारे बुजुर्ग एक काम और किया करते थे वॉक के साथ में, जो मैंने मतलब मेरे बड़े उन्होंने बताया है, वो गन्ना चूसा करते थे। गांव में खेत तो होते ही हैं, तो अब किसी के भी खेत से गन्ना तोड़ ले कोई मना तो करता नहीं है। तो क्या होता है कि गन्ना चूसते चूसते उनकी वॉक हो जाया करती है। अब गन्ना जब आप चूसते हैं तो आपकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, गन्ना जब आप चूसते हैं आपके चेहरे का, आपके मस्तिष्क का पूरा हलन चलन और व्यायाम हो जाता है। आप जब गन्ना चूसा जाता है ना, उसमें कितनी ताकत लगी, जब चूसेंगे तब आपको पता चलेगा। गन्ने का रस काम का नहीं है, गन्ने के रस से कई बार पित्त बढ़ जाता है, सीने में जलन भी आ जाती है। यदि आप गन्ना चूसते हैं ये आपके शरीर को ठंडक देगा, आपकी तरावट को बढ़ाएगा, आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी है तो शांत करेगा। हाँ, यदि कफ प्रकृति है तो आप देखें गन्ना थोड़ा चूसें या ना चूसें, क्योंकि थोड़ा छोटा गन्ना ले लें। और हाँ, यदि आप पित्त वाले हैं, पित्त प्रकृति आपकी बढ़ी हुई है, पित्त का प्रकोप आपको ज़्यादा है जैसे मेरे जैसे हैं, तो आप बड़ा गन्ना भी ले सकते हैं, अच्छा खासा करीब 5-6 फीट का भी गन्ना ले सकते हैं, और नहीं तो 2-3 फीट का तो गन्ना आप चूस ही सकते हैं, 2-3 फीट का गन्ना बहुत बड़ा नहीं होता है। तो आप उस गन्ने को चूसिए, आपको पता चलेगा आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, आपके चेहरे पे कितनी सारी हलचल हो रही है। ये हलचल आपके मस्तिष्क को भी एक्टिव बनाएगी, साथ ही आपके चेहरे का व्यायाम करेगी, जिससे आप हमेशा युवा रह पाएंगे। मित्रों, बहुत ही सरल प्रक्रिया है करना चाहें तो, और
मुश्किल भी कुछ नहीं है, क्योंकि गन्ना शहरों में मिल जाता, आप कहेंगे गन्ना महंगा मिलता, अरे भाई आपके स्वास्थ्य से महंगा कुछ नहीं है। रोज एक गन्ना 10 रुपए का भी आपने चूस लिया, 15 रुपए का चूस लिया, क्या बुराई है, आप इससे ज्यादा की दवाइयां खा लेते हैं। दवाइयों से बचना है, आपके मस्तिष्क को एक्टिव रखना है, अपने चेहरे को एक्टिव रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, तो करिए ये प्रयोग और देखिए हफ्ते भर में आपका शरीर क्या रिजल्ट दे रहा है। आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी, आपके मन में नया उत्साह आ जाएगा। हाँ, एक विशेष सावधानी इसमें और रखनी है। सावधानी क्या रखनी, ये जो आप मॉर्निंग वॉक करेंगे ये सूर्योदय से पहले करेंगे, सूर्योदय के बाद वॉक का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उस समय आपका पसीना वैसे ही बहता है। और यदि सुबह सुबह आप वॉक करते हैं तो आपकी जो शीतलता है, जो आपकी मैंने कहा ना लार की जो कमी है, वो सुबह सूर्योदय से पहले की मॉर्निंग वॉक आपकी पूरी कर सकती है। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, और नहीं करेंगे सूर्योदय के बाद करने गए तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप कई बार होता क्या वीडियो पूरा नहीं देखते, फिर आपको पूरे निर्देश नहीं पता चलते, आधे अधूरे निर्देशों के साथ आधा अधूरा काम किया तो पूरा लाभ नहीं मिलता। और यदि कोई समस्या विशेष है तो वीडियो विवरण में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, आप हमें वहाँ प्रश्न भी कर सकते हैं। और वीडियो विवरण में स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम के प्रारंभिक चरण, सब कुशल है, हलन चलन व्यायाम, सब प्लेलिस्ट हमने दे रखी है, वो सब करके आप अपने किसी भी रोग को ठीक करने का सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।